नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सरकार को सद्बुद्धि देने ग्रामीण डाक सेवकों ने किया हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का आयोजन। लगातार पांचवें दिन भी तपती गर्मी में हड़ताल पर डटे हुए हैं ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस कमेटी की सिफारिशें एवं सातवें वेतनमान की मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक लगातार पांचवें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इस दौरान गर्म लू के थपेड़ों के बीच जोशीले अंदाज में ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सामूहिक रूप से सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ को किया, जिससे सरकार ग्रामीण डाक सेवकों की लंबित मांगों को जल्दी सुन ले। इधर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल लंबी खींचने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बुरी तरह से ठप हो गई हैं। हड़ताल के कारण न सिर्फ ग्रामीण बल्कि इनका असर शहरी क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय पर भी पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट से लेकर लेन देन का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ 28 मई को शहर में रैली निकालेगा। यह रैली प्रधान डाकघर से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। यहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 1 जून को नई दिल्ली में जंगी प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके लिए गुना, शिवपुरी, अशोकनगर से ग्रामीण डाक सेवक 31 मई को इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक संचार मंत्री का घेराव भी करेंगे। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इसके विपरीत गुना कांग्रेस ने आज नगरपालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए कि अभी तक के शासन में उन्होंने ऐसा क्या दे दिया जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी आज जश्न मना रही है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को आम जनता के साथ किए गए खिलवाड़ एवं जन विरोधी कार्यों के लिए प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए था। युवा विरोधी ये सरकार और महिला विरोधी ये सरकार, देश विरोधी ये सरकार और डंडे दलित के सरकार आज 4 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर जश्न मना रही है। कांग्रेस पार्टी का ये धरना प्रदर्शन इसीलिए आयोजित किया गया कि हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि कश्मीर में आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बद से बदहाल हैं, डोकलाम में चीन घुसपैठ कर रहा है, छत्तीसगढ़ में जिस दिन चाहे जब चाहे जब नक्सलवादी हमारे राष्ट्रवीरों जो सैनिक हैं उनको शहीद कर रहे हैं, और हाल ये है महंगाई के नाम पे डीजल और पेट्रोल ने जो आम आदमी की कमर तोड़ी है और उसके कारण से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महंगाई का व्यापक प्रभाव पड़ना आरंभ हो चुका है। और इसके अलावा आज बैंक में चले जाओ तो पैसे जमा करने के भी पैसे लगते हैं, पैसे निकालने के भी पैसे लगते हैं, कम जमा करो उसके भी पैसे लगते हैं, ज़्यादा जमा करो उसके भी पैसे लगते हैं। रेलवे में चले जाओ, आरक्षण आज निरस्त करा लो तो 600 रुपये का टिकट लो तो केवल 40 रुपये हाथ में आते हैं। कहने का आशय ये है कि हर क्षेत्र में जब मोदी जी ने इस प्रकार की त्रासदायी घटनाएं आम नागरिक के सिर के ऊपर फोड़ दी हैं तो आज वो जश्न किस बात का मना रहे हैं। हम आम नागरिक की अभिव्यक्ति आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे थे और हमें इस आज के दिन सबसे ज़्यादा पीड़ा इस चीज़ की है कि जब हम मंडियों में जाकर के देखते हैं जिस प्रकार से किसान बेहाल और बदहाल हो चुका है, उसे अपनी फसल बेचने के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और उसे कहीं ना कहीं गलत रास्ते अपनाने को मजबूर करना पड़ता है, क्या इस चीज़ का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है? हमें तो लगता था आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुद अपने आप में कहीं प्रायश्चित दिवस मनाती तो शायद इस जनता के साथ कुछ ना कुछ न्याय होता और वो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं आज अच्छा दिन रहता। लेकिन बड़ा अफसोस है कि उन लोगों को कहीं भी प्रायश्चित नहीं है, वो जनता की परेशानी पे हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी हंसी और मजाक का जवाब आने वाले नवंबर माह में निश्चित तौर पर आम जनता देगी।
कर्मचारी कांग्रेस की स्थापना के आज 26 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस भवन में आज आयोजित किया गया सुंदरकांड पाठ, जिसमें कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष विठल दास मीणा का भी सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे रखा होता तो मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं वो परिवार में आऊं जिससे आज 24 साल पहले हम बहुत साथ में रहे। और मजबूरी ये रही, ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का है इसलिए ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां भी सभी लोग बैठे हैं। बाकी हमारे नायक जी ने सभी बातों पर चर्चा की, राजनीतिक भी और जो शिक्षा विभाग के शोषण के बारे में भी, मांगे नहीं मानने के बारे में भी और मांगे आगे मनवाने के बारे में। मैं इस मौके पर यही कहूंगा कि मैं तो हमेशा आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज जो आपने हमें बुलाकर यहां सम्मान किया, मैं सही कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों में घुसड़े, आज मिले तो Oh.
आज भाई साहब कर्मचारी कांग्रेस के 26 वर्ष पूर्ण हुए थे, स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था सुबह 7 बजे से। उसके बाद कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष माननीय विट्ठल दास मीणा जी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया था और ये कर्मचारी कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में था। खंड स्तरीय कौशल बेरोजगार पंजीयन एवं स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 250 लोगों के पंजीयन किए गए, जिनको द्वितीय सत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, जिसमें करीब 30 कंपनियां भाग लेंगी। इस रोजगार पंजीयन मेले में एक युवक ऐसा भी आया जिसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस युवक का नाम है शमशाद खान, जिसने मात्र 50,000 की लागत में नए और पुराने सामान की जुगाड़ बनाकर एक मोटरसाइकिल तैयार की। इस गाड़ी का एवरेज 50 किलोमीटर प्रति लीटर का है। शमशाद यहाँ अपनी पूरी कला दिखाने तो आए थे, साथ ही उन्होंने यहाँ लोगों को मोटिवेट भी किया कि किस तरह से खुद का रोजगार करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। बनाई है सर, मैंने मॉडिफाई की है इसको। ये गाड़ी 50 की पड़ी है जी, 50 एवरेज इसका। तो ये गाड़ी अपन ने उसमें की थी, उसके बाद अपन ने गाड़ी तैयार की। इसकी नया सामान भी डाला, कुछ इसमें अपन ने जुगाड़े की सामान भी लगाए बनाते हुए। इसमें 50,000 रुपये खर्चा आया। आज कौशल एवं रोजगार पंचायत के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था। इसका उद्देश्य था कि जो हमारा आगामी जो जून के माह में कार्यक्रम होना है, उसके उद्देश्य को लेकर यहाँ पे कौशल एवं रोजगार व स्वरोजगार सम्मेलन का पंजीयन एवं काउंसलिंग कार्यक्रम रखा गया था। इसमें आज 200-250 के बीच में पंजीयन हुए हैं। उन बच्चों को अब जो आगामी हमारा जिला स्तरीय रोजगार मेला होगा, कौशल एवं रोजगार मेला, उसमें बुलाया जाएगा और उस दिन जो है ना 30 से 40 कंपनियाँ आएंगी। इसके बाद दूसरे भाग में स्वरोजगार सम्मेलन हमारा जिला स्तरीय होगा, जिसमें सभी स्वरोजगार से संबंधित विभाग शामिल होंगे, उनके लिए भी आज पंजीयन किया गया है। हमारे जिले में आगामी माह में 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, कौशल पंचायत एवं स्वरोजगार सम्मेलन। इसी क्रम में आज हमारे गुना जिले में 14 विकास खंड स्तरीय शिविर था, अगला हमारा शिविर जो है ना चौचौड़ा में 31 तारीख को होगा। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान चल रहा है, जिसके आज 11 दिन पूरे हो गए। वहीं इसी कड़ी में बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक रोजा रखकर ईश्वर की इबादत करते हैं। कहा जाता है कि रमजान महीने में किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया जाता। वहीं इस भीषण गर्मी में जहां पानी के बिना पूरा दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, शाम के समय नमाज के बाद रोजा अफ्तारी की जाती है। ऐसे ही गुलाबगंज मोहम्मदी मस्जिद में रोजा अफ्तार करते हुए देखे गए मुस्लिम भाई। बेटा बेटा तेरे पापा के पास बैठ जाएगा। जिले के मधुसूदनगढ़ में शाहपुरा गांव में बड़ी तादाद में लोग हुए बीमार। ग्रामीणों के मुताबिक कुएं का पानी पीने के कारण 200 से 250 लोग बीमार हो गए। पिछले 2 दिनों से ये पानी पीने के चलते लोग बीमार पड़े थे, जिसका इलाज झोलाछाप डॉक्टरों से कराया जा रहा था। वहीं ये डॉक्टर इनको इंजेक्शन और बोतल दिए जा रहे थे, जिसके बाद भी ग्रामीणों की हालत में कोई सुधार नहीं आई। हालत को बिगड़ते देख ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग का रुख किया। स्वास्थ्य विभाग में जिलाधिकारी रामवीर सिंह रघुवंशी का कहना है कि कुएं का पानी पीने लायक नहीं है, जिसके कारण 25 से 30 लोग बीमार हुए हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है और अब सब ठीक है। वहीं इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जिला अधिकारी का कहना है कि कुएं का पानी खराब है और विषैला है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ गए। असल में सही कारण तो बाद में पता चलेगा, अभी हाल फिलहाल जो कारण समझ में आया वो ये है,
कि एक कुआ है वहाँ, उसमें वो लोग करीब 3 किलोमीटर दूर से पानी की लाइन डाली हुई है, हमने पानी लाते हैं तो वो जो पानी इसमें गिरता है उसको प्रजे पीते हैं। तो उस कुएं का क्या है, वो एक तो सड़क के किनारे है, उसमें गंदगी घूमती रहती है और साथ में क्या है कि उसमें मन नहीं है कुएं में, तो ऊपर का भी जो है वो कूड़ा करकच घूरे वगैरह का वो जाता रहता है, तो वो निश्चित रूप से वो कुआ खतरनाक। करीब 25-30 लोग होंगे बीमार, पर गांव में मैंने उसका पता किया उसका सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरी का बताया कि आते नहीं है सेक्रेटरी वहाँ, रहते नहीं, तो उसके लिए तहसीलदार साहब को बोल दिया है, तो गांव में साफ सफाई करनी पड़ेगी और इस कुएं को ढंग से फाटना पड़े। वो तो देखिए ऐसा है कि अपनी अस्पताल तो मुफीनगढ़ में है, जहाँ से अपन डॉक्टर साहब को वहाँ बैठा दें तो फिर ये अस्पताल जब बंद करने पड़े, ठीक है ना। अपन ताजी रूप से डॉक्टर साहब भी हुआ, मैं भी हुआ, लेकिन हमने आज उनको एक नई बात बताई वहाँ पर। एक तो हमने उनको ये बताया, कारण बताया, मैंने उनको ये समझाया ये कारण दूर करो, जब तक ये कारण दूर नहीं होता तब तक आप लोग पानी उबाल के पियो। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने उनको ये बताई कि इसमें डॉक्टर से बोतल लगाने के बजाय अब क्या करो कि 1 लीटर पानी में 1 ORS का पैकेट घोलो। बोले साहब घोल लेंगे, उनके नहीं, तो मैंने सबकी जेब से निकलवाए, सबको जो है बोतलें दे के उनकी जग ले के वो घुलवाए, वो पिए, तो उनको वहीं के वहीं आराम मिल गया सबको। अब क्या है, अगर आप देखेंगे अब इस समय ये जो उल्टी दस्त को जो खतरनाक माना जाता था उसका एक टाइम था आज से 20 साल पहले, अब ये कोई इस प्रकार की खतरनाक नहीं है। अब तो और जो नई बीमारियां हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, सोच नहीं था, अब हम उनको कंट्रोल करने की। वहीं ग्रामीणों की माने तो 200 से 300 की तादाद में लोग बीमार हुए हैं। पानी पीने से हुए। कब बीमार हुए ये लोग? परसों के रोज से हो रहे हैं। तो जब से आप हॉस्पिटल वगैरह आए थे कि नहीं? हॉस्पिटल वगैरह नहीं आए, पर डॉक्टर गांव में है, उससे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सबको लगाए, बॉटल भी चढ़ाई। जब संभाल नहीं पाए, जब उनने फोन लगाया, लगभग हो गए 250 लोग, बाकी लोग चाचोड़ा चले गए, कहीं कहीं सुथाड़ी चले गए, कहीं यहाँ है। तो ये कुएं में लगभग 10 साल से वो कुआ उगड़ा नहीं है, उसमें कीचड़ मट्टी और नहाने धोने का पानी सभी जमा है, इस कारण बीमार हो रहे हैं लोग, मतलब ना जाने उसमें कोई केमिकल है कि क्या है, लेकिन कुएं के पानी से ही हो रहा है। लगभग 200-250 समथिंग। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी कहा कि इन लोगों के इलाज दिलाने के चक्कर में मधुसूदनगढ़ का अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता। नहीं, अस्पताल तो मधुसूदनगढ़ में है, जहाँ से अपन डॉक्टर साहब को वहाँ बैठा दें तो फिर ये अस्पताल जब बंद करने पड़ेगी। इसी के साथ कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टरों की शिकायतें आने के बाद भी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानें धड़ल्ले से गांव-गांव में चला रहे हैं। इसी के चलते चांचोड़ा विधायक ममता मीणा भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों का हाल जाना। इसके साथ ही ममता मीणा ने यह भी कहा कि जल्द ही ग्रामीणों को अच्छा जल पीने को मिलेगा। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक पहुंचे गुना के आरोन, जहां उन्होंने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। बताने के नीति आयोग के माध्यम से कराए जा रहे सर्वे के बाद जो जिले निचले पायदान पर आ गए हैं, उन्हें ऊपर लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्री भ्रमण कर रहे हैं। आरोन स्वास्थ्य केंद्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट के पंखे भी अव्यवस्थित है, अस्पताल में गंदगी पड़ी रहती है, जिस पर मंत्री महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिशा निर्देश जारी किए कि जल्दी व्यवस्था को सुधारा जाए। मरीजों ने भी अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कुपोषित बच्चों को देखने पहुंचे, आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं आरोन पहुंचने पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। एक ही है कि दो लोग हैं। अच्छा, परिवार से?
होगा कि पहले जैसी चीज ऐसी है? ये सर बहुत खराब स्थिति में थी सर। ये अगर एक दो दिन उसके सर नहीं जाते ना सर, तो सर्वाइव नहीं करते सर। करीब करीब चार साढ़े चार तीन साल की हो गई है सर। बहुत बढ़िया, अभी भी सर देर आज की सर। और नहीं बड़ा भी हो सर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष साहब, जी के द्वारा नीति आयोग के माध्यम से देश के 115 जिलों का सर्वे कराया गया है, जो रैंकिंग में जो है ना नीचे हैं, और उन जिलों में विशेष रूप से अभियान चलाकर रैंकिंग में उनको ऊपर लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, पोषण, इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए टीम बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार से भी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र, राज्य और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, ये त्रिस्तरीय टीम मिलकर इन जिलों में जो है ना, इन विविध क्षेत्रों में वहाँ का कार्य का आंकलन करके और फिर उसके लिए का प्रयास करेंगे। सर जैसे आंगनबाड़ी है सर, वो खुलती नहीं है सही से, तो मैं समय पर आ रहा हूँ कि आसपास के क्षेत्र की कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी होकर आए हैं। तो अभी तो जहाँ हम गए हैं वहाँ पर आंगनबाड़ियाँ खुली हुई मिली हैं, उनको बच्चों को अच्छा पोषण आहार भी दिया जा रहा है, बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए भी सामान दिया जा रहा है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो बच्चे कम वजन के या खून की कमी वाले पाए जाते हैं, उनको NRC में भर्ती करके 14 दिन तक उनको सुपोषित भारत बनाने की दिशा में जो राष्ट्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए उनको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक सर, अभी आपको है ना आरोन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सर क्या अनुदान पाएंगे आपके द्वारा? ये स्वास्थ्य केंद्र में जो कुछ भी कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य स्तर से बात करके और आरोग्य का स्वास्थ्य केंद्र जो है ना ठीक राहुल काम कर। लोगों द्वारा बताया जा रहा है पानी की सर बहुत बड़ी प्रकट समस्या है सर अस्पताल के अंदर, पानी के लिए प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर PHE को बोल करके यहाँ पर हमारे मरीजों का सुविधा ना हो और यहाँ पर पानी की सुविधाओं के प्रयास किए जाएंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम और PHE दोनों संयुक्त रूप से मिलकर उसके लिए कार्य करें। सर एक महिला डॉक्टर की जरूरत है, अभी बताया था गांधी जी द्वारा, उसके लिए बात की जाएगी। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। अपहरण व हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस की खारिज रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर आरोपी को गिरफ्तार करने वारंट जारी किया, पर पुलिस लगातार आरोपी को पकड़ने में ढील बरत रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी रसूखदार होने के चलते और प्रशासनिक मित्रता निभाने के चलते आरोपी को अग्रिम जमानत लेने तक समेत दिया जा रहा है। नरसिंहगढ़ निवासी फरियादी ओम प्रकाश जाटव ने मई 2015 में ब्यावरा के अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। वहीं इसी दौरान पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गुना में एक सैटेलाइट केबल कंपनी में केबल बिछाने का काम करता है। रात को वह गुना में राष्ट्रीय होटल के बाहर खाना खाकर पैदल स्टेशन की ओर निकला। वहीं बड़े पुल के पास सफेद रंग की गाड़ी में आरोपी तरुण जैन एवं उसके तीन अन्य साथियों ने उसे जाति सूचक गालियां दी, इसके बाद उसको गाड़ी में डालकर ब्यावरा की तरफ ले गए। रास्ते में ब्यावरा के पास जैसे ही आरोपियों ने गाड़ी रोकी तो फरियादी ओम प्रकाश उनकी पकड़ से भाग गया। जैसे ही ओम प्रकाश भागा तो आरोपी तरुण जैन ने उस पर पिस्तौल चला दी, जिसकी गोली ओम प्रकाश के बाएं हाथ में लगी। आरोपी उसे वहीं छोड़कर चले गए। इस मामले में ब्यावरा थाने के पुलिस ने मुख्य घटनाक्रम स्थल होने के चलते शून्य पर अपराध दर्ज किया। बाद में सिटी कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 217/15 धारा 364, 307, 294, 506 भारतीय दंड संहिता एवं 3/2/5 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तरुण जैन ने इस मामले को व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के चलते कंपनी द्वारा साजिश करार देते हुए पुलिस को आवेदन देकर जांच कराई थी, जिस मामले में स्वयं के बचाव के लिए कई तथ्य पेश किए थे। तत्कालीन विवेचक DSP BP तिवारी ने मामले की जांच के उपरांत ER पेश कर
मामले को खारिज करना बताया था। पुलिस द्वारा लगाई गई इस खारिज रिपोर्ट को सीजेएम कोर्ट ने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। वहीं इलाज करने वाले चिकित्सकों मोहरीन दत्ता एवं राजेश मिश्रा के कथनों पे अपराध के संबंध में आए अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत खारिज रिपोर्ट को अविश्वसनीय करार देते हुए खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अपराध को संज्ञान में भी लिया गया, साथ ही आरोपी तरुण जैन को हिरासत में लेने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सीजेएम कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध आरोपी तरुण जैन ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका भी प्रस्तुत की, जिसे सेशन कोर्ट ने 11 मई को विस्तृत आदेश पारित करने पर खारिज कर दिया। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना से व्यतीत होकर फरियादी ओम प्रकाश जाटव ने पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि आरोपी के प्रभावी होने के चलते उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि वे गुना में ही रह रहा है। फरियादी का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के दौरान आरोपी ने 19 अप्रैल को कलेक्टर राजेश जैन की विदाई पार्टी में भी सम्मिलित हुआ था। गौरतलब है कि अपराध में SC/ST एक्ट की धारा लगी होने से अग्रिम जमानत की संभावनाएं भी शून्य हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों को रखने के लिए पीड़ित ओम प्रकाश जाटव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को इस बारे में अवगत कराया कि किस तरह से पुलिस अपने एक मित्रता निभाने के चलते ढील बरत रही है। मेरे साथ सर गोली कांड हुआ है, जिससे मेरा केस साढ़े तीन साल से चल रहा है, जिसमें डेढ़ महीना पहले वारंट निकल चुका उसका, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तरुण जैन के खिलाफ। और मैं 1 तारीख से गृह मंत्री मतलब जेल के पास जाने वाला हूँ, वहाँ पे भूखा हड़ताल पर बैठने वाला हूँ। हमला यह था सर, केबल लाइन में काम करता था, उनकी भी केबल लाइन थी और उनके खनिज का केबल के नाम से है, तो सर दोनों कंपनी विवादित, पता नहीं कौन किसान वगैरह क्या है, उस चक्कर में काम करता था, मेरे से मना करता था कि तुम मेरे क्षेत्र में काम मत कर, तुम मेरे क्षेत्र में काम मत कर, यहाँ से चले जा। मैंने सर उनको समझाया, सर आपका जो भी लफड़ा है कंपनी का आपके स्तर से देख लीजिए। तो एक दो दिन बाद हमारी झूमा झटकी हुई उससे, झूमा झटकी हो गई। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैं राजश्री होटल में लिए अपने राजश्री होटल, यहाँ से खाना खा के रात के 10:30 बजे से मैं निकल के जा रहा था रेलवे स्टेशन तरफ घूमने। आगे बड़े पुल पे यहाँ पे लाकर मुझे गाड़ी रोक ली, वहाँ मेरा मुद्दा पूछ लिया, पर्स मोबाइल मेरा सब निकाल लिया, रात घूसों से मेरे को मारा गया, गाली गुप्त तक दी गई है। वो ब्यावरा साहब ले जाकर कोलू भैरू मंदिर जहाँ पड़ता रास्ते में किस बहाने पेशाब के बहाने से उतरे होंगे। मेरे भागने का जैसे ही फरियास करा, तरुण जैन ने मेरे को गोली मार दी। फायर किया आपके ऊपर? जी फायर किया, फिर मैं वहाँ पे स्पॉट पे बेहोश हो गया। फिर उसके बाद सर मुझे, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। एक काम कर सकते सब आप ले लो, तो अगर बता दें। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक कल देर रात गुना पहुंचे। आज वे आरोन रावगढ़ भी पहुंचे, साथ ही गुना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बता दें कि नीति आयोग के अनुसार गुना पिछड़े जिलों की सूची में आता है, जबकि गुना में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी प्रस्तुत किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तविकता में देश के 115 जिलों में गुना जिले को भी नीति आयोग ने भारत परिवर्तन व्यवस्था की श्रेणी में सबसे नीचे रखा है, जबकि कुपोषण के मामले में जिला गुना में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो आने वाले समय में सही हो भी जाएंगे, या यूं कहें कि ये आंकड़े केवल 2019 में होने वाले चुनाव के चलते तैयार किए गए हैं। इसका धरातल पर कितनी वास्तविकता है ये तो बाद में ही नजर आएगी। नीति आयोग की चुनौतियां विभिन्न विभागों की ओवरलैपिंग और नौकरशाही हावी तो नहीं हो रही। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय बाल विकास मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने गुना का दौरा भी किया। क्या वाकई में गुना कुपोषण में इतना आगे है? यहाँ पर कुपोषण एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। विगत कई वर्षों की अगर बात की जाए तो गुना शहर या गुना जिले में इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं जहाँ भारी मात्रा में कुपोषित बच्चे पाए गए हों। आंकड़ों में चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन धरातल में तो ऐसा नहीं है। स्वागत है।
मैं अनुरोध करूंगी। ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और उसमें विभागों के साथ ही साथ पब्लिक के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, पब्लिक की अवेयरनेस जो है ना वो बहुत आवश्यक है और इसके लिए शासकीय प्रयासों के साथ साथ विभिन्न जो हमारे धर्म गुरु हैं या हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले, आह्वान करने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इन सबको आगे आकर जो है ना जनसंख्या नियंत्रण के लिए और उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। पेट्रोलों के दाम मैंने क्या देखा है प्रशासन? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर नीति आयोग के द्वारा देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनमें एक गुना जिला भी है, उनका चयन किया गया है जिनमें रैंकिंग की दृष्टि से वो नीचे हैं। उनमें पेयजल, स्वच्छता, पोषण, एग्रीकल्चर ऐसे कई बिंदुओं को लेकर ये नीति आयोग के द्वारा जिलों का चयन किया गया है। आज गुना जिले में आरोन, राघोगढ़ और रास्ते में भी कई गांव में जो है ना आंगनबाड़ी केंद्रों का और NRC का उनका निरीक्षण किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से हमारे देश से कुपोषण पूरी तरह से समाप्त हो और एक सुपोषित भारत बने, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के हमारी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, इन विभागों को भी जब संयुक्त रूप से मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे तो ऐसे बच्चों की पहचान करके जो कम वजन के हैं या जिनके अंदर खून की कमी है उनको NRC भेजकर उनका 14 दिन तक होम को एडमिट किया जाता है, उसके बाद फॉलोअप किया जाता है। जैसे एक स्थान पर हमको एक बच्चा कमजोर मिला था, हमने निर्देशित किया कि इसको 14 दिन से और 7 दिन उसको और रखा जाए। बाकी बच्चों में जो है ना उनकी जानकारी ली तो उन बच्चों में उनका वजन भी बढ़ रहा है, उनकी कमी भी दूर हो रही है। ऐसे ही गर्भवती मैंने जो डिजाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।